हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। वचन और पवित्र आत्मा। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, और वे फूग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों को दी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पौलुस जब एशिया में प्रचार करने जा रहा था तो पवित्र आत्मा ने उसे वहां प्रचार करने से रोक दिया। पवित्र आत्मा दो बातें कैसे कह सकता है कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जाओ और पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, और जबकि पौलुस सब जगह जाने के लिए तैयार होता है तो पवित्र आत्मा उसे एशिया में जाने को मना करता है। इसका मतलब है कि आपको वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा की भी सुनना जरूरी है, और इसका मतलब एक विश्वासी अकेला वचन के साथ ही नहीं चल सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का जन नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि जैसे पौलुस की जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई, उसने सब जगहों में प्रचार किया और एक अच्छी सेवकाई को अंत तक निभाया, बहुत सारे लोगों को, चेलों को और पास्टरों को खड़ा किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके वो स्वर्ग चला गया, तो इसी प्रकार परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। बाइबल में लिखा है सबसे पहले दिन परमेश्वर ने जब बोला कि उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। ये कौन सा उजाला हुआ था? तब इस धरती पर कौन था? लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। पर कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। यानी अगर एक विश्वासी अपने जीवन में उजाला चाहता है, चाहे वो उजाला व्यापार में हो या विवाहित जीवन में या आपके आत्मिक जीवन में आप उजाला चाहते हो, तो पहली बात कि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और दूसरा पवित्र आत्मा के साथ आपका गहरा नाता होना चाहिए। इसीलिए ऐसे विश्वासी जिन्हें परमेश्वर के वचन की जानकारी तो है लेकिन फिर भी वो पाप में है, इसका मतलब उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए चुना है, और जब तक आप उस खास मकसद तक नहीं पहुँचते तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करता है। आप जब तक परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे तब तक आप उस खास मकसद में नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए और मेरी अगुवाई करे, क्योंकि आपके वचनों और आपके पवित्र आत्मा के बिना मैं एक सफल इंसान नहीं बन सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।